सब्जियों का राजा है। सब्जियों का राजा आलू, जो किसानों के लिए एक प्रमुख फसल के रूप में जाना जाता है, आजकल इसकी खेती उतने मुनाफे की नहीं रही जितना पहले हुआ करती थी, ऐसा किसान सोचते हैं। जरा सी जागरूकता, नई तकनीक के इस्तेमाल से इसकी उपज बढ़ाई जा सकती है और लागत घटाई जा सकती है। इस नई तकनीक का नाम जीरो टिलेज है। अब नाम सुनकर किसानों को ये लगेगा कि इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान छिपा है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। जीरो टिलेज में पुआल, अटिया, सड़ा हुआ गोबर, खाद, वर्मी कंपोस्ट एवं आलू का बीज और मिक्सचर खाद जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 12:32 16:16 की जरूरत पड़ती है। तो आइए जानते हैं इसकी विधि जिन्होंने जीरो टिलेज से आलू की खेती की है। नंबर 1, पुआल। जीरो टिलेज से आलू की खेती के लिए पुआल या अटिया की जरूरत पड़ती है और इस तरह से खेती में पुआल सूखा होना चाहिए। एक कट्ठे की खेती के लिए 75 से 100 अटिया या उतने ही मात्रा में पुआल की जरूरत पड़ती है और पुआल की मोटाई 6 से 8 इंच होनी चाहिए, जिससे आलू सही तरह से लग जाए। अगर मोटाई सही न हो तो उपज पर असर पड़ेगा। नंबर 2, अब समझते हैं गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट के उपयोग। गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट सड़ा हुआ होना चाहिए और एक कट्ठे में 50 से 75 केजी की जरूरत आलू को ढकने के लिए पड़ती है और खाद तो डीएपी, पोटास, यूरिया मिक्सचर तो ना मात्र जरूरत पड़ती है। देखा आप लोगों ने, हमें कोई भी चीज बाहर से खरीदना नहीं पड़ता, ये तो हमारे घर पर निकल जाता है। तीसरी चीज मिक्सचर खाद तो नाम मात्र लगता है। बुआई प्रक्रिया। बुआई करना तो बहुत ही आसान है। बगैर जोते हुए खेत में आलू को रखना और गोबर खाद देकर पुआल से ढकना। देखा आपने, जीरो टिलेज से आलू की खेती करने से न तो सिर्फ पैसा और समय भी बचता है, बल्कि मुनाफा ही मुनाफा है।